सर प्रेम सिंह चंदू माजरा जिंदाबाद। मैं सर प्रेम सिंह चंदू माजरा जिंदाबाद। श्रोमणी अकाली दल जिंदाबाद। बोले सोनिया। अकाली दल बादल दे उगे लीडर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने अज राजपुरा फेरी दौरान गुरुद्वारा साहिब विच नतमस्तक होए ते राजपुरा समेत पंजाब दे वड्डे मुद्दियां बारे पत्रकारा नाल गलबात कीती। गलबात दौरान उना की कुछ बोलिया, आओ सुना दे हां। राजपुरा तो जतिंदर लक्की दी खास रिपोर्ट। पशुआं ते बीमारी आ भावे सारे पंजाब दे विच ही बहुत वड्डे पद्धर ते पशुआं दा नुकसान हो रहा, पर मैं पटियाले जिले में घूम के आया। अज सनौर दे विच, घनौर दे विच, राजपुरे दे विच, नाभे तक हैरानी इस गल दी आ भी हस्पतालां विच डाक्टर है नहीं। तकरीबन 87 डिस्पेंसरियां ने, 74 हस्पताल ने, ते मेरा ख्याल है भी तीजा हिस्सा भी हस्पतालां विच डाक्टर नहीं है। सनौर हल्के तो मेरा ख्याल 70% हस्पताल डॉक्टर नहीं, घनौर से नहीं है। सो सरकार लापरवाही भी कर रही है, सरकार संजीदगी नहीं दिखा रही। सरकार ने इस बीमारी की रोकथाम लई कोई भी खास प्रबंध नहीं किए। 4 लाख पशु ने पटियाले जिले जिदे च तकरीबन 1,24,000 गावां ने, 274 के करीब मझां ने, 3333 खुराकां भेजियां ने। हुण 3333 खुराकां 4 लाख पशुआं लई की आउणगियां काम? मतलब बिल्कुल ही लापरवाही ते ढिल सरकार दी दे कारण अज पशु मालकां नूं जानी सहम भी आ, चिंता भी आ, और आर्थिक तौर ते मंदहाली दे विचों लंघ रहे ने। मुख्यमंत्री साहब नूं अपील करदा मैं कि केवल चंडीगढ़ मीटिंगां करके काम नहीं सरना, फील्ड विच आके डाक्टरां दा प्रबंध करके पशुआं लई खुराकां दा उचित प्रबंध करे। जे एक जिले विच जिथे 4 लाख पशु होणगे केवल 3333 खुराकां ही भेजियां जाणगियां, तां इलाज के प्रबंध जिहड़े आ उन्हां नूं उचित नहीं कहा जा सकता, सही नहीं कहा जा सकता। सो डाक्टरां नूं दबके मारन दी थां वाइस चांसलर वर्गे जिहड़े 13-13 डिग्रियां प्राप्त करन वाले सन्मान जो डाक्टर राज बहादुर वर्गे वाइस चांसलर, उन्हां नूं अपमानित करन दी थां अपने वजीरां दा व्यवहार भी सुधारन। मुख्यमंत्री साहब आप भी फील्ड विच आउण। अज पंजाब दे विच इस तरह नज़र आ रहा कि सरकार ना दी कोई चीज़ है नहीं। सूबे अंदर अराजकता का भी माहौल आ, फरौतियां ते डकैतियां ते धमकियां दे पत्र टैलीफोन ने सहम पैदा किया होया। दूजे पासे आर्थिक तौर ते लोग चिंतित ने, झोने की बीमारी भी, पशुआ की बीमारी भी। वो तो पहला करोना महामारी के दौर चो लोग गुजरे। सो वैसे भी कुदरती आफतों के मुआवजे लिए भी सरकार वालों ना कोई अधिकारी ना कोई मंत्री केंद्र तो डिजास्टर मैनेजमेंट फंड लैण लई किसी ने पैरवाई नहीं की। तो पंजाब का हाल तो जिवें चल राणी तेरा रब राखा वाला होया वा। पंजाब अज लावारस होया पिया। पंजाब ते अज गैर पंजाबियों ने कब्जा किया होया। पंजाब दे लोकां ने फतवा दिता सी साहब भगवंत सिंह मान नूं मुख्यमंत्री बनाउण लई, ते पंजाबियां दे फतवे का अपमान करके पंजाब गैर पंजाबियों के हवाले करता। जिहड़ा मैं समझदा पंजाब दे लोगों के फतवे की तुहीन आ। पर अज तक पहली बारी होया होना भी कुदरती आफतां फंड दे विचों मतलब मुआवजे वजों सरकार वालों कोई पैसा
नहीं दिता गया। देखो भावें आकड़ी पिंड का मसला है, भावें सेरा सेहरी का मसला है, भावें तख्तू माजरे का मसला है, ये जिहड़ियां पंचायत दीआं जमीनां ते उदों नजायज़ तौर ते लोकां नूं पहला तो उजाड़िया गया, फिर उजाड़े पत्ते दे विच्चों अंडरहैंड जो पैसे की दुरवरतों हुई, पैसा मिसयूज़ होया, पैसा गलत हत्थां विच गया, उहदे परतां जिहड़ियां हुण खुल के सामने आ रही ने, विजिलेंस ने जिहड़ा केस फड़िया वह बड़ियां मतलब एक हैरानी वाली भी ने और बहुत दुखदाई भी ने भी उजाड़े पत्ते की थां जानी उन्हां तो ही पैसे वसूले गए राजसी शक्ति राही। सो ये गल्लां जिहड़ियां जग जाहर हो रही ने ये एक बहुत हैरानी वाली भी ने और दुखदाई भी ने। बस जिस तरह फौरा चाह रहा, जिस तरह सामने गल्लां सामने नज़र आ रही ने, यह सच रिकॉर्ड से जो आएगा तो मैं समझता कुदरती तौर पर कानून ने अपना काम करना। IGPC वालों 13 तारीख को ऐलान किया गया कि कालिया पर्गा बन के विरोध किया जाएगा, मांग की जाएगी, ये अकाली दल भी शमूलियत करेगा। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जी एग्जैक्टिव है, कल उन्होंने बंदी सिखा की रिहाई लिए 13 तरीक न कालिया पगं बन के जो प्रदर्शन करने का प्रोग्राम उन्हें बंदी सिंघा की रिहाई लिए बनाया, श्रोमणी अकाली दल भी वो शामिल होगा, श्रोमणी अकाली दल के वर्कर लीडर वो सहयोग देन। लाल सिंह चड्ढा दी बारे मैं तो फिल्म देखी नहीं है, तो फिल्म है की है फिल्म जी रिलीज हो रही है जिसे जा रहा है भी सिखा का भी अपमान किया जा रहा है, सिख जी भारतीय सेना वह भी अपमान किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। देखो जे किसी खास फिरके का अपमान करेगी कोई फिल्म के दिखाया जाएगा, जां भारतीय फौज के जवानों का उन्हां दी कुर्बानियां का कोई अपमान किया जाएगा तो वह फिल्म देखने योगी भी होगी, उसका कुछ नहीं तो उसका विरोध होगा। हाँ जी, दरबार साहब ने सम्मान किया जा बड़ा जोरदार ढंग से। मैं समझता जे इस तरह का किया तो गलत किया, उसकी जाँच की जाऊगी, तो हो सकता उसका इंडिविजुअल तौर पर किया हो, इस फिल्म का रोल जोड़ा वह किसी ने बचा ना हो, जो तो सामने गल आएगी तो कुदरती तौर पर वह नोट्स लिया जाएगा। मान ने कहा कि केसरी झंडे जो घर सिखा केसरी झंडा तो सिमरजीत मान उन्होंने कहते थोड़ो लाना, तो गुरु गोबिंद सिंह साहब ने 1699 विसाखी के खालसा पंथ की सिरजना समय खालसे केसरी निशान दिता। नहीं वो तो कले आजादी दिवस से नहीं, मतलब खालसा तो 1699 तो लैके केसरी निशान चढ़ाता, सानू शौक तरह खालसे के केसरी निशान झूलते ने, यह कोई 15 अगस्त स्पैशल चढ़ाने का तो नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री ने उन्होंने अस्तीफा दिता, बीजेपी को अलविदा क्या कहना चाहोगे? देखो ये तो मैं समझता कि देश की राजनीति के बीच एक मतलब डिमार्केशन हो रही है, देश की राजनीति का ध्रुवीकरण हो रहा, एक पासे सैकुलर फोर्स जिहड़ियां ने वो इकट्ठियां हो रही ने, खास तौर पर जिहड़ियां खेतरी पार्टियां ने वो लामबंद हो रही ने, क्योंकि ये देश जिहड़ा ये देश की खूबसूरती ये देश का विशेष करैक्टर जिहड़ा वो यूनिटी डिवर्सिटी है, अनेकता विच एकता, और जिहड़े संविधान निर्माता सी उन्होंने देश की इस खूबसूरती नूं पहचान के इस देश नूं फैडरल ढांचे के रूप के अग लैके आए, ये देश की सरकार नूं यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता, यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कहा जाता कागजा दे विच, ये यूनियन गवर्नमेंट के तौर पर कहा जाता, यूनियन ऑफ स्टेट्स के तौर पर कहा जाता, क्योंकि इस मुल्क दे विच अड अड भाषा ने, अड अड धर्म ने, अड अड भाषावान ने, अड अड सभ्याचार मानतावान परंपरावान ने, इन्हां नूं चिठराया नहीं जा सकता और देश नूं किसी सूई के नके विचों नहीं लंघाया जा सकता। सो ये सच मनना पएगा,
और देश दियां खेतरी पार्टियां जिहड़ियां रीजनल पार्टियां ने उन्हां नूं देश दे राज सत्ता दे नक्शे चों कदे मिटाया नहीं जा सकदा। देखो मजीठिया साहब की रिहाई जिहड़ी आ इह सच साबित करता मानयोग अदालतां ने कि सरकार कोल ना कोई सबूत सी, बिना सबूत तो 6 महीने मजीठिया साहब के अंदर लाते ये तो वड्डा धक्का न्याय होर की हो सकता। सो सरकार की जात के धक्के का सबूत जिहड़ा अदालत ने जमानत देने लगे जिहड़ा वर्डिक्ट दिता उसे सुनाया। पता नहीं तो मैं तो पता नहीं लगा तुम पता लग गया जिस तरह की केसरी चंदा लहराम से शिवजीत कुमार ने कहा दूजे पास प्रशासन सरकार जरा कि तिरंगा जरा 25 रुपये का झंडा प्रशासन वालों बेचा जा रहा है प्रशासन ये गवर्नमेंट को किए देखते। देखो मैं समझता गरीब लोगों से आम लोगों से तिरंगे झंडे का बोझ आर्थिक तौर पर नहीं पाना चाहिए। अपनी मर्जी ना कोई आपके जतना ना जो मर्जी करे प्रशासन वालों इस तरह का मतलब कोई फीस ला के करना पोस्ट आई थी झंडा लो तो राशन मिलता है 15 अगस्त 75वें वरेगंढ मनाई जा रही है आजादी की दिवस की वो लोगों की एक भावनात्मक सांझ आ और भावनात्मक तौर पर लोग देश की आजादी के 75 साल पूरा होने जुड़े हुए हैं तो उन्होंने किसी तरह मतलब जबरदस्ती मतलब जोर दे के किसी तो मना वाली गल जी किसी तरह भी जायज़ नहीं हो सकती। रेता राजपुरे से नहीं कला सारे पंजाब रेता बजरी महंगी बिक रही है और जोड़े ब्लैक मेल ब्लैक कर रहे हैं रेते बजरी की उन्होंने सरकार की सणगांठ और सरकार वालों 5 रुपये रेते दे मुल तय करन दे जिहड़े वादे सी दावे सी वो निरे खोखले नज़र आए रहे। अज सब तो महंगा रेता बजरी पंजाब दे विच विक रहा। मैं कोई दावेदार नहीं हाँ क्योंकि पार्टियां विच कोई हर बंदा अपनी राय दिंदा हर बंदे नूं पार्टी विच राय देण दा हक हुंदा ते पार्टी प्रधान की दावेदारी का मैं कोई उम्मीदवार नहीं हाँ ना कोई इसकी गल आ। ये पार्टी नूं मजबूत करन लई पार्टी नूं तगड़ा करन लई हर सिरद वर्कर जिहड़ा वो अपने अपने तौर ते अपने अपने तरीके राहीं रावां दिंदा ते जिहड़ियां कंसेंसस नाल आम सहमति नाल सुझाव जिहड़े प्रवान हो जांदे ने वह पार्टी की नीति बन जांदे ने। सो इस करके कल जिहड़ी वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही है वो वर्किंग कमेटी के विच असीं आने वाला जिहड़ा प्रोग्राम वो दवांगे क्योंकि जयदार श्री अकाल तख्त साहब ने जिहड़ा अकाली दल नूं प्रोग्राम दिता उस प्रोग्राम का असीं स्वागत भी किया और उस प्रोग्राम ते असीं पूरी तरह तनदेही नाल काम भी करांगे आने वाले समय के विच पंजाब के लोगों नूं भी उस प्रोग्राम ते तुरन की अपील करांगे। कीता गया जिन्हां नूं धर्म दीआं भैणां कहा उन्हां नूं पाणीआं दे टैंकियां ते चढ़ना पिया। सो इस करके जिहड़ी आप पार्टी की सरकार आ ये ना तो लोगों का किते वादे जिहड़े सी वो पूरे कर सकी आ ना लोगों के मन। अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म 24 घंटे लाइव देखे हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर।